नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुक विद सुषमा में। पराठे तो हम रोज नाश्ते में अलग अलग तरीकों से बनाते हैं। आज हम बनाएंगे सत्तू का पराठा। ये पराठा बिहार की रेसिपी है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वाद से भरपूर होते हैं। ये चने की दाल से बनाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सत्तू का पराठा। सत्तू के पराठे बनाने के लिए हम सामग्री लेंगे। आटा मैंने लिया है 2 कप, जिसे हम गूंद लेंगे। साथ ही मैंने सत्तू को तैयार करने के लिए लिया है सत्तू 1.5 कप है। लहसुन की कलियां मैंने कुछ छील के ले ली है। हरी मिर्च है, 2 नींबू है, इसका हम रस निकाल लेंगे, और धनिया पत्ती। तो चलिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आटे में डाल देंगे 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक हमने अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए से सानेंगे। आटे को गूंथते समय ध्यान रहे कि पानी हमें एक बार में नहीं डालना है, पानी धीरे धीरे करके डालना है। इसे हमें नॉर्मल डो बनाकर तैयार करना है। डो अगर ज्यादा नरम और मुलायम हो जाएगा तो रोटियां सही से नहीं बनेगी, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमने आटे का डो लगाकर तैयार कर लिया है। ये ना ज्यादा सख्त है और ना ज्यादा मुलायम है। हमें इस तरह का डो बनाकर तैयार करना है। आटे को ढक के रख देते हैं। चलते हैं सत्तू को तैयार करने। तो चलिए सत्तू बनाना शुरू करते हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। डालेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। सत्तू तीखी ही खाने में ज्यादा अच्छी और चटपटी लगती है। डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन 2 चम्मच। डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन जो मैंने क्रश करके रखी है, 1/2 चम्मच कलौंजी उसे भी डाल देंगे, 1/2 चम्मच से कम काली मिर्च पाउडर, ग्रेट किया हुआ अदरक, काला नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1 चम्मच ली है बड़े चम्मच से। साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच नींबू का रस। मैंने अचार वाला तेल लिया था, आम के अचार का तेल है, इसे भी डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। धनिया इसमें ज्यादा डालिएगा तो काफी अच्छा टेस्ट आता है, और अचार का तेल डालने पे तो पूछिए मत, बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। सभी को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब सत्तू में नमी बनाए रखने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ज्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। सत्तू अगर ज्यादा ड्राई लगे तो थोड़ा सा और हम पानी डालेंगे। देखिए कितना अच्छा से बनकर तैयार हुआ है, इसकी मुट्ठी भी बन जा रही है। इसी तरह से हमें सत्तू का फिलिंग्स को तैयार करके रखना है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास अचार का तेल नहीं है, चाहे अचार नहीं है, तो आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सत्तू हमारा बनकर तैयार है। चलते हैं आटे को चेक कर लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। साथ ही लेंगे हम सूखा आटा, हाथ में हल्का सा लगा लेंगे। आटा लेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हमने कटोरी बना ली है। अब इसमें सत्तू के फिलिंग को भर देंगे और इसको हल्के हाथों से दबाते हुए धीरे धीरे करके चारों तरफ से बंद कर लेंगे।
ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने इसे बंद कर दिया है। इसको ऐसे दबा देंगे और इसी तरह से हम सारे सत्तू भरकर तैयार कर लेंगे। फिर हम आटे से एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। और सेम तरीके से हम इसमें सत्तू भरेंगे। कटोरी बना लिया आटे की, इसमें सत्तू भर दिया हल्के हाथों से प्रेस करके इसे बना लेंगे। ये देखिए बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हमने दूसरा भी बना लिया है। ये देखिए हमने सभी पेड़ को बनाकर तैयार कर लिया। अब चलते हैं इसके पराठे बनाने। तवा को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक हम इधर अपनी रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। दोनों तरफ से आटा लगा लेंगे और रोटी को बेलकर तैयार कर देंगे। और तवे पे इसे डाल देंगे। जब तक एक साइड से रोटी सिक रही है तब तक हम दूसरा भी रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। इसे भी हमने बेल लिया है। अब इसे हम दूसरी तरफ से सेक लेंगे। इधर से भी रोटी सिक चुकी है। अभी इसे हम घी लगाकर पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। एक चम्मच इसमें घी डाल देंगे। इसे प्लेट में निकाल के रख देंगे। देखिए कितना अच्छा से बनकर हमारा पराठा तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे पराठे को बना लेंगे। डालेंगे दूसरा पराठा भी। वन साइड से सेकने देते हैं। पलट देंगे इसे। सत्तू के पराठे को आप बैंगन टमाटर के भरते के साथ भी खा सकते हैं। और टमाटर की जो चटनी बनाते हैं हम लोग जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है उसके साथ भी हम इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे सब्जी के साथ भी खा सकते हैं और हरे धनिए की चटनी भी डाल देंगे। घी देखिए कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है पराठा। सभी पराठे को इसी तरह से हम बना लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है गरम गरम खाया जाए तो। देखिए हमारे सभी पराठे बनकर तैयार है।